हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मोटर ऑक्टेन में। आज हम आपको कंपैरिजन देंगे ऑफ द ह्युंडई वर्ना 2018 और इसे कंपेयर करेंगे द न्यूली लॉन्च मारुति सियाज 2018। मारुति और ह्युंडई दोनों जाने जाते हैं अपने वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स के लिए और अब दोनों कम्पीट कर रहे हैं इन दिस प्रीमियम सेगमेंट। अगर आपको जानना है मोर अबाउट द टू, एंड तक देखिए वीडियो को। और हाँ, हम पेट्रोल, डीजल, ऑटोमेटिक, मैनुअल सब की बात करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं हम न्यूली लॉन्च मारुति सियाज 2018। अब ये गाड़ी केवल एक फेसलिफ्ट है, ऑल न्यू गाड़ी नहीं है। इस वजह से जब आप इसे देखेंगे तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। अभी भी गाड़ी प्रीमियम लगती है, लंबी है साइज में और बहुत ही स्टाइलिश लगती है। इसे एक काफी अप मार्केट फील दिया हुआ है और इसकी पेंट क्वालिटी बहुत ही शानदार है। अब नया क्या है सियाज फेसलिफ्ट में? इसे नया ग्रिल दिया हुआ है आगे और साथ में इसके हेडलैम्प्स अब चेंज हो गए हैं। लाइट्स व्हाइट पहले भी थे पर अब एलईडी प्रोजेक्टर्स हो गए हैं। फॉग लैंप्स जो आते हैं वो भी अब एलईडी हो गए, तो पूरा फ्रंट इसका व्हाइट हो गया है। साइड से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ अंतर नहीं है। प्रोपोर्शंस बहुत शानदार है और काफी लंबी लगती है। यहाँ से ऐसे लगता है कोई बहुत बड़ी गाड़ी आ गई है और मारुति की दूसरी छोटी गाड़ियों के सामने ये काफी बड़ी और प्रीमियम फील होती है। 16 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं जो बहुत स्टाइलिश लगते हैं इस पे। रियर से इसे अब एलईडी टेल लैंप्स दिए हुए हैं जो काफी बढ़िया लगते हैं और कार बहुत ही अच्छी दिखती है, वेल प्रोपोर्शनड है। इसे 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है। वहीं पे जब हम ह्युंडई वर्ना को देखें तो पुरानी वर्ना ज्यादा फ्लूइडिक लगती थी, ये काफी ज्यादा मैच्योर और स्पोर्टी लगती है। इनफैक्ट जब आप इस गाड़ी को देखोगे आपको शायद इसे देखने में ज़्यादा मज़ा आए और आपको ये गाड़ी बहुत कूल लगेगी। फ्रंट ग्रिल देखेंगे इसका तो इसको क्रोम दिया हुआ है जो काफ़ी स्टाइलिश लगता है, एंड एट द सेम टाइम इसके जो हेडलैम्प्स हैं वो काफ़ी स्लीक हैं जो अच्छे दिखते हैं। हेडलैम्प्स प्रोजेक्टर हैं पर वो येलो कलर की लाइट देते हैं और साथ में इसमें डे टाइम रनिंग LEDs भी अवेलेबल हैं। वहीं जब हम कंपेयर करेंगे वर्ना का फ्रंट एंड तो ये काफ़ी अच्छा दिखता है और दूसरी जो ह्युंडई की गाड़ियां हैं उनसे मेल खाता है, जैसे एलांट्रा छोटा वर्जन हो लगेगा ये। रियर से भी ये एलांट्रा जैसी लगती है, सिमिलर टेल लैंप्स है और ये काफ़ी अच्छी लगती है। साइड से जब आप देखेंगे तो ये काफ़ी स्पोर्टी लगती है क्योंकि इसका स्लोपिंग रूफ दिया हुआ है जो इसे बहुत अट्रैक्टिव बना देता है एंड ओवरऑल एक बहुत ही स्टैंडिंग आउट प्रोडक्ट। अब जब हम गाड़ी के अंदर देखते हैं तो एक तरफ है मारुति सियाज 2018। इसका डैशबोर्ड काफ़ी सिंपल है, ब्लैक एंड बेज इंटीरियर्स दिए हुए हैं, ब्रिज ब्लॉन्ड का वुडन फिनिश दिया हुआ है और क्रोम इंसर्ट्स भी हैं। स्टीयरिंग व्हील इसका लेदर रैप्ड है, आपको नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया हुआ है जो बलेनो जैसा है, काफ़ी सारे ग्राफिक्स है इसमें और साथ में क्योंकि ये स्मार्ट हाइब्रिड है इसकी वजह से एक ग्राफिक है जो दिखाता है कि इंजन, बैटरी और साथ में मोटर इलेक्ट्रिक वाला कब क्या चल रहा है, कौन सा क्या पावर दे रहा है और कभी। वहीं पे इसका जो सेंटर कंसोल है उसमें आपको टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है 7 इंच का, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स मिलते हैं। मिरर लिंक नहीं आता है इसमें पर आपको मिलता है नेविगेशन, रिवर्स पार्किंग कैमरा। वहीं पे क्लाइमेट कंट्रोल भी दिया हुआ है इस गाड़ी में और काफ़ी अच्छा क्वालिटी का इसके मटीरियल्स है। अब ये अच्छे क्वालिटी के मटेरियल्स है पर ये प्रीमियम ज़्यादा फील नहीं होते हैं अगर आप वर्ना से कंपेयर करें। स्टोरेज स्पेसेस भी गाड़ी में काफ़ी सारे हैं और आपको एम्पल स्पेस है फॉर योर हेड एंड नी, जहाँ पे टॉल पैसेंजर्स भी आराम से चला सकते हैं। रियर सीट पे जाएंगे तो इसमें आपको बहुत अच्छा नीरो मिलता है, ये चीज़ आप सबसे पहले नोटिस करेंगे। सीट का कॉन्टोर जो है थोड़ा और बेहतर हो सकता था ताकि आपको बेहतरीन थाई सपोर्ट मिले, बट दिस इज़ नॉट बैड। हेडरेस्ट दिया हुआ है, दो एडजस्टेबल और साथ में आर्मरेस्ट भी है। पीछे के पैसेंजर्स को रियर एसी वेंट्स है और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट तक उपलब्ध कराया गया है। बूट स्पेस गाड़ी का अच्छा है और अगर आपकी फैमिली 4 या 5 जनों की है तो आप सामान लेके आराम से जा सकते हैं फॉर अ वीकेंड। अब सियाज का सबसे बड़ा एडवांटेज है ओवर द वर्ना उसकी रियर सीट स्पेस, और अगर आप शॉफर ड्रिवन है तो ये सीट आपको बहुत बाएगी क्योंकि इसमें आपको स्पेस काफ़ी अच्छी मिलती है। वहीं अगर आप ह्युंडई वर्ना का इंटीरियर देखें तो ये काफ़ी मॉडर्न एंड सोफेस्टिकेटेड है, ऐसे लगता है कोई जर्मन या यूरोपियन गाड़ी है जिसे काफ़ी प्रिसाइसली बनाया गया है। क्वालिटी बहुत दमदार है, इंटीरियर बहुत प्रीमियम भी फील होता है, साथ में इसका स्टीयरिंग व्हील भी लेदर रैप्ड है, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स अच्छे हैं।
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इतना फंकी नहीं है जितना सियाज में आता है, बट दिस इज गुड इनफ। अब इस गाड़ी का जो सेंटर कंसोल है वो काफी नीटली फ्लोइंग है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको मिलता है टच स्क्रीन में, नेविगेशन भी दिया गया है, मिरर लिंक जैसा फीचर भी ऑफर किया गया है, एंड एट द सेम टाइम क्लाइमेट कंट्रोल भी है। अब दोनों गाड़ियों की अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो दोनों में दो दो एयरबैग्स आते हैं स्टैंडर्ड अक्रॉस द वेरिएंट्स। एबीएस प्लस ईबीडी भी स्टैंडर्ड आता है दोनों में। इनफैक्ट अभी रिसेंटली आप देखोगे ह्यूंडई वर्ना में एबीडी स्टैंडर्ड कर दिया गया है। दोनों गाड़ियों में काफ़ी फीचर्स सेम है, जैसे क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, लेदर अपोल्स्ट्री, साथ में इसका टच स्क्रीन सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले। वहीं पे वर्ना में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं ऑन द टॉप मॉडल। उसमें आपको मिलते हैं 6 एयरबैग्स, सनरूफ, साथ में आपको स्मार्ट बूट मिलता है। बेसिकली आप जब गाड़ी के पास जाते हो तो वो बूट अपने आप खोल सकता है इफ़ यू वांटेड टू। और साथ में आपको मिलता है वेंटिलेटेड सीट्स, जो इस सेगमेंट का सबसे पहला फीचर है। रियर सीट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे वर्ना में उतनी स्पेस नहीं है, पर रियर सीट का जो कंफर्ट है वो आपको वरना ज़्यादा बेहतर देगी ओवर द सियाज। आर्म रेस्ट है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, रियर एसी वेंट है पीछे के पैसेंजर को, और बूट साइज भी बड़ा है। अब अगर आप शॉफर ड्रिवन है, अगेन मैं कह रहा हूँ सियाज इज अ बेटर चॉइस, पर अगर आप खुद चलाते हैं और कभी आप पीछे भी बैठते हैं देन यू कैन कंसिडर बोथ ऑफ देम। अब अगर मैं इंजन की बात कर लूँ दोनों गाड़ियों की, तो वरना में आपको 1.4 लीटर पेट्रोल आता है, 1.6 लीटर पेट्रोल आता है और 1.6 लीटर डीजल आता है, और सियाज में आता है 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.3 लीटर डीजल। अब सबसे पहले हम ये समझ लें कि सियाज का एडवांटेज क्या है ओवर द वरना। सियाज में आपको आता है स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जो आपकी माइलेज एनहांस करती है। अब इसमें एक छोटा इलेक्ट्रिक मोटर दिया हुआ है जो पावर स्टोर करता है बैटरी में, आगे की आपकी बोनेट वाली बैटरी में, और एक छोटी पीछे लिथियम आयन बैटरी दी हुई है जिसमें वो पावर स्टोर करता है, और मोटर आपके इंजन को पावर देता रहता है। इसके कारण आपका माइलेज इम्प्रूव होता है और पेट्रोल डीजल दोनों अच्छी माइलेज देते हैं। यहाँ पे अब बात कर ले नेगेटिव पार्ट ऑफ द सियाज, तो वो है इंजन परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है कंपेयर टू वरना। साथ में इसमें 5 स्पीड मैनुअल आता है दोनों में और 4 स्पीड ऑटोमेटिक आता है पेट्रोल में। वहीं पे वरना में आपको सब में 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ही दिया गया है। 1.5 लीटर पेट्रोल में आपको 5 स्पीड मैनुअल आता है और ऑटोमेटिक ऑफर नहीं किया गया है। ओवरऑल अगर हमें एक विनर बताना है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, तो वरना डेफिनेटली एक बेटर चॉइस है। वरना की हैंडलिंग भी अच्छी है सरप्राइजिंगली फॉर अ ह्यूंडई, और ये पहली ह्यूंडई गाड़ी है जो हमें काफ़ी इंप्रेस की है इन टर्म्स ऑफ राइड एंड हैंडलिंग। ओवरऑल परफॉर्मेंस तो अच्छा ही है ह्यूंडई का, पर माइलेज में मारुति गेम चेंज कर देती है और ये ज़्यादा बेहतर माइलेज देती है। सियाज पेट्रोल मैनुअल आपको सिटी में देगी क्लोज टू 11 से 13 और हाईवे पे देगी 15 से 17। वहीं पे ऑटोमेटिक आपको देगी 10.5 से 12 और ऑटोमेटिक हाईवे पे आपको देगी क्लोज टू 15 to 16। वहीं पे ह्यूंडई वरना आपको लगभग 12 से 13 देगी फॉर 1.4 और हाईवे पे देगी 15 से 16। और दूसरा वाला जो 1.6 मैनुअल है वो आपको रिटर्न करेगा 10 से 11 सिटी में और हाईवे पे 14 से 15। ऑटोमेटिक पेट्रोल देगा आपको 9 से 10 सिटी में और 14 से 15 हाईवे पे। अब अगर हम डीजल इंजन की बात कर ले तो दोनों लगभग सिमिलर माइलेज देती है। ऑफ कोर्स मारुति वाले को थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज है, वरना डीजल आपको सिटी में देगी क्लोज टू 13 to 15 किलोमीटर पर लीटर, ये मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों है, और हाईवे पे ये 17 से 19 दे देगा। वहीं पे सियाज आपको 2-2 किलोमीटर पर लीटर एक्स्ट्रा देगा सिटी एंड हाईवे पे। तो सियाज का डीजल इंजन एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है माइलेज के लिए। इनफैक्ट पेट्रोल भी अच्छा माइलेज देता है, पर परफॉर्मेंस में डेफिनेटली वरना उसे मात दे देती है। अब सवाल आता है कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए और क्यों। अगर आप दोनों गाड़ियों की प्राइस देखेंगे तो सियाज का टॉप एंड अल्फा डायरेक्टली कम्पीट करता है ह्यूंडई के सेकंड टॉप मॉडल से SX। तो इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग दोनों सिमिलर है। वरना के SX वेरिएंट में आपको कुछ फीचर्स नहीं मिलते हैं जो आपको सियाज में मिलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बींग पुश स्टार्ट स्टॉप। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में लगभग सेम फीचर्स है इन दैट वेरियंट, और वरना आपको एक और एक फ्लेक्सीबिलिटी देता है हायर वेरिएंट देके SX ऑप्शन, जिसमें वो ज़्यादा सेफ्टी, ज़्यादा फीचर्स, सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स देता है, जिसकी वजह से वो एक ज़्यादा बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी पैकेज बन जाता है। तो इस वजह से अगर हमें आज के लिए एक विनर बताना है देन इट इज़ द ह्यूंडई वर्ना फॉर श्योर, और ये बहुत ही बढ़िया पैकेज है।
मैं आपको ये भी बता दूं, मारुति सियाज भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैकेज है, जस्ट दैट ह्यूंडई थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पैकेज बन गया है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, इस वीडियो को तुरंत ही लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए टू द MotorOctane यूट्यूब चैनल और हमें फॉलो कीजिए instagram.com/MotorOctane2। टेक केयर गाइस, ड्राइव सेफ, मिलेंगे कल फिर से।